आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी 3.0 का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका अटेम्प्ट जो है आपको कितना अटेम्प्ट मिलता है आपको बीपीएससी के द्वारा टीचर बनने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कल हम एक वीडियो डाले थे जिसमें हम लोग बताए थे कि टोटल कितना आपका जो है फॉर्म फिलअप हुआ है बीपीएससी 3.0 के लिए कंप्यूटर साइंस वाले के स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो कि टोटल आपका जो है कितना अटेम्प्ट मिलेगा बीपीएससी 3 अटेम्प्ट काउंट कि कैसे होगा और कितना काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट 3.1.0 में बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अटेम्प्ट बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है वो आपका 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है कि आप 3 बार ही बीपीएससी 3 के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 बार में क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो आपको फिर से चौथा मौका जो है आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका 3 अटेम्प्ट है वो आपको कैसे मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो अभी अभी आपका जो वैकेंसी आया हुआ है वो आपका 11th एंड 12th टीचर का आया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर टीचर्स के लिए। इसका एग्जामिनेशन जो है आपका 3 अटेम्प्ट मिलेगा आपको। 11th एंड 12th टीचर्स बनने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जो 11th 12th वाले 3 बार दे दिए वो अनदर टीचर नहीं बन सकते हैं, वह बन सकते हैं लेकिन 11th 12th में वह टीचर नहीं बन सकते हैं अगर वह 3 बार में क्वालिफाइड नहीं किए तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 9th और 10th का वैकेंसी अगर आता है कंप्यूटर साइंस का तो इसमें भी आपको जो है 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। मतलब जो भी होता है कैटेगोरी वाइज जो वैकेंसी आता है कि 9th 10th का जो वैकेंसी आया 11th 12th का जो आता है तो इसका जो आपका अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 11th 12th का भर दिए हैं 9th 10th का भरे हैं और जो है आपका 6th 8th का भर दिए हैं तो 3 बार एग्जामिनेशन दीजिएगा, 3 बार एक बार में आपका खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि आपका 6th 8th के लिए भी आपका 3 अटेम्प्ट मिलता है, 9th से 10th के लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा और आपका 11th और 12th के लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पिछली बार जो स्टीची 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो आपका 1 अटेम्प्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक है, वह एक अटेम्प्ट उनका खत्म हो चुका है। ये उनका जो आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट है जो आपका 3.2.0 हो रहा है, ठीक है। 3.0 में उनका जो है सेकेंड अटेम्प्ट भी आपका खत्म हो जाएगा अगर आपको क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है 3.2.0 में जो आपका वैकेंसी जो है बहुत ही कम है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि इससे पहले जो आपका वैकेंसी आया हुआ था 8300+ वैकेंसी था 3.1.0 में, इसके कंपेयर में इस बार वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। 3.1.0 में वैकेंसी बहुत ही ज्यादा था और 3.2.0 में अप्रोक्स आपका जो है 1100 वैकेंसीज है, 1100+ है, ठीक है, वैकेंसीज है। इसमें जो कैटेगोरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, आप कैटेगोरी वाइज भी सीट देख सकते हैं, आप जिस कैटेगोरी से बिलोंग करते हैं उसमें अगर बहुत ही कम अगर आपका सीट है, अगर अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आपके एग्जामिनेशन देने से आपका कोई बेनिफिट जो आपको नहीं होने वाला है क्योंकि आपका जो 3.1 आपको ओनली 3 अटेम्प्ट मिलने वाला है। अगर आपका एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छा नहीं है तो आपका जो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा चाहे आप क्वालिफाइड करें या ना करें, ठीक है। तो जो जो जनरल वाले स्टूडेंट्स है वह कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ कितना तक जा सकता है जो 3.2.0 का, तो यह तो कन्फर्म है कि जो 3.1.0 हुआ उससे बहुत ही कम वैकेंसी इस बार है 3.2.0 के लिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जो गया था पिछले बार वह 60 कट ऑफ गया है जनरल का, ठीक है, 3.1.0 में। लेकिन जो आपका 3.2.0 होने वाला है इसमें जो है बहुत सारे ऐसे कैटेगोरी है जिसमें कोई सीटें नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम नाम मात्र का सीट है, तो सारा स्टूडेंट जनरल पे ही फाइट करेंगे। लेकिन उनको फाइट करने से यह भी तब बेनिफिट होगा जब वह नंबर ज्यादा लाएंगे क्योंकि जो कट ऑफ जो रहने रहने का अनुमान जो आपका जनरल कैटेगोरी का है वो आपका 75+ ही रहेगा, चाहे जितना जाए लेकिन 75 से ऊपर ही रहेगा, कम होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका 85 इसके बीच में भी रह सकता है, 75 से लेके 85 के बीच में जो आपका जनरल का कट ऑफ हो सकता है। अगर आपको इस तरह का तैयारी है तो एग्जाम में आप जरूर बैठे, आपका 100% जो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें आपका एक कैटेगोरी है जिसका कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छा जो सीट है जो आपका एससी कैटेगोरी के स्टूडेंट्स है
उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा सीट है, लगभग 625 सीट जो है आपका 31.0 से आया हुआ है, वैकेंस था 31.0 का सीट जो ऐड हुआ है उसमें 625 सीट जो है सिर्फ आपका एससी कैटेगरी का है, और जो आपका 172 जो सीट था उसमें से भी जो भी आपका जो है जो आपका रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें सीट ऐड होगा, मतलब 600+ सीट जो आपका सिर्फ एक ही कैटेगरी का है वो आपका एससी कैटेगरी का है, जो एससी से बिलोंग करते हैं उनका जो है इस बार एवरेज मार्क्स में भी उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे उनका जो कट ऑफ जो गया था पिछले बार 31.0 में वो 39 नंबर गया था, तो मैक्सिमम इसका हाईएस्ट जा सकता है तो इसका जाएगा 50 जाएगा, नहीं तो इससे कम ही रहेगा, 40 से 45 तक जो है इनको जो है सिलेक्शन हो जाएगा जो 32.0 में बैठ रहे हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।